सो गाइस वेलकम बैक टू द वीडियो। तो जैसे कि आप सबको पता ही है कि जिस दिन से कूले कूले सॉन्ग एंड कलास्टर टीजर ड्रॉप हुआ है, हर एक जगह बादशाह भाई को बहुत ही गंदी तरह से पेला जा रहा है। लेकिन अभी अभी अपने अल्फाज पाजी ने भी इसको पेल दिया है। जी हाँ, कल तो उन्होंने कलास्टर टीजर के स्टेट्स को शेयर करके कुछ ऐसी स्टोरी लगाई थी, लेकिन आज वो हनी पाजी को टैग करके एक वीडियो शेयर करते हैं जिसमें लिखा है, वी नो हाउ टू हैंडल आवर बॉल्स। अब जिसको इधर बॉल्स का मतलब समझ नहीं आया, तो बॉल्स का मतलब इधर वो एल के नीचे के दो बॉल्स हैं जो कि बादशाह एंड गिरफ्तार है। मतलब सिर्फ एक स्टोरी से अल्फाज पाजी ने बादशाह को क्या ही गंदा पेल दिया है। खैर, इसके अलावा एक बहुत ही फेमस यूट्यूबर हैं जिन्होंने कल हनी पाजी और बादशाह को लेके कुछ ऐसी स्टोरी लगाई थी और लिखा था, यार ये बादशाह वर्सेस हनी सिंह कर रहे हो तो सही से करो ना, ताकि मजा आए, थोड़ा माहौल बने। सो इसके बाद वो हनी पाजी और बादशाह को लेके स्टोरी में कुछ ऐसा पोल रखते हैं जिसमें आप लोग देख सकते हो अपने जियान भाई को 10% वोट भी बड़ी मुश्किल से मिले हैं। खैर, बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। तो अपने हनी पाजी की एक वीडियो बहुत ही ज्यादा वायरल हो रही है जिसको लेके कुछ लोग बोल रहे हैं कि कलास्टर सॉन्ग लीक हो चुका है। तो पहले तो आप इस वीडियो को देख लो, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये गाना सच में लीक हुआ है या नहीं। ऑफिस को टैग कर, करना बात सुन, होल्ड ऑन इजी, डरना ठंडी, ट्रैफिक अब उस देखना, पीछे न घुमाना मुंडी, आज टाइम पे मैं इतना ट्रैफिक सॉन्ग भी मैं बनाता। So, ये जो गाना आपने सुना, ये इंटरव्यू के अंदर एक आरजे ने हनी पाजी को ट्रिब्यूट दिया है बिल्कुल देसी कलाकार वाले फ्लो में, लेकिन कुछ लोग इसे कलास्टर सॉन्ग का लीक बोल रहे हैं। सो ऐसा बिल्कुल नहीं है, अपने हनी पाजी इतना बड़ा सॉन्ग किसी इंटरव्यू में आखिर क्यों लीक करेंगे। खैर, बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। तो अभी अभी ध्रुव राठी यानी जर्मन शेफर्ड का एक और न्यू वीडियो सामने आया है जिसमें ये हनी पाजी को एक बार फिर से टारगेट कर रहा है, वो भी सिर्फ एक चीज पे जिसपे इसने पहले भी काफी बार हनी पाजी को टारगेट किया है। लेकिन मिसोजिनी आज के दिन भी एंटरटेनमेंट से लेकर पॉलिटिक्स तक हर जगह देखने को मिलती है। हनी सिंह के मखना जैसे चीप गाने जो औरतों को ऑब्जेक्टिफाई करते हैं, यूट्यूब पर 35 करोड़ से ज्यादा व्यूज है। तो अगर इसका कोई फैन इस वीडियो को देख रहा है तो इसको जाके बोलो कि लास्ट मंथ हनी पाजी ने सोल नाम का एक सॉन्ग ड्रॉप किया है जिसमें उन्होंने सारी की सारी व्यूमेन को कितना ज्यादा मोटिवेट किया है, एक बार जाके सुन लेना, उसके बाद तुम लोग वीडियो में आके भौंकना। खैर, अभी के लिए बस इतना ही। यहाँ तक आए हो तो लाइक का बटन दबा के जाना। बाकी मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।